राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता चल चुका है और अब नाम का ऐलान भी हो चुका है। केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की विधायक दल की मीटिंग बुलाई थी और विधायक दल की मीटिंग में आतिशी के नाम पर जो है सहमति बनी है। इस बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। आतिशी के नाम का ऐलान हालांकि थोड़ी ही देर में आधिकारिक तौर पर भी किया जाएगा और 4:30 बजे LG को केजरीवाल जो हैं वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नया नाम बता देंगे। इसी हफ्ते नए CM और कैबिनेट का शपथ ग्रहण भी होगा। 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है। 13 सितंबर को शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब जनता तय करे कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान। जनता ने दाग धोया और विधानसभा चुनाव जीता तो फिर से कुर्सी पर बैठूंगा। आतिशी को मुख्यमंत्री चुनने की 2 वजह आप समझिए। पहली वजह, केजरीवाल और सिसोदिया के जेल में रहते हुए पार्टी का मजबूती से स्टैंड रखा। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के लिए केजरीवाल ने आतिशी के नाम की सिफारिश की थी। दूसरी वजह, 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने वाली समिति की प्रमुख सदस्य भी आतिशी थी। उसके बाद से ही पार्टी को विस्तार में अहम भूमिका निभाने का काम आतिशी करती रही। उनका जन्म दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता के घर हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से की। उन्होंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज में इतिहास में ग्रेजुएशन और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शेवनिंग छात्रवृत्ति पर मास्टर हासिल की है। उन्होंने कुछ साल बाद उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान में रोड स्कॉलर्स के रूप में ऑक्सफोर्ड में अपनी दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की। आतिशी आम आदमी पार्टी की स्थापना के समय से ही पार्टी में शामिल हुई थी और 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र मसौदा समिति की प्रमुख सदस्य भी थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन्होंने पार्टी के गठन के शुरुआती दौर में इसकी नीतियों और आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी। आतिशी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी रही हैं। 2015 से अप्रैल 2018 तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए कई योजनाओं पर उन्होंने काम किया। आतिशी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। वो बीजेपी के प्रत्याशी गौतम गंभीर से सिर्फ 4 लाख वोटों से हार गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी की टिकट पर कालकाजी क्षेत्र से चुनाव जीता और बीजेपी के प्रत्याशी को 11,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। पार्टी में आतिशी के बढ़ते सियासी कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2020 के चुनाव के बाद उन्हें आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई का प्रभारी भी बनाया गया। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद सिपा सलाहकार के रूप में भी माना जाता है। अब इस्तीफा क्यों दे रहे हैं मुख्यमंत्री इसको भी जान लीजिए। 3 वजह जिनकी वजह से मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तो होते लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं होती। इसके अलावा आपको बता दें कि जो शराब नीति केस है उसमें अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जमानत पर जेल से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी कि वो मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जाएंगे और ना ही किसी फाइल पर साइन करेंगे। यानी जेल से बाहर आने और मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास पावर ही नहीं रही। सिर्फ 5 महीने का कार्यकाल बचा। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है। यानी सरकार के पास चुनाव में सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं। इस दौरान सरकारें लोक लुभावन चुनावी फैसले लेती हैं। केजरीवाल कोर्ट की शर्तों में बंधे हैं। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल के साथ सहानुभूति है। 2-3 महीने पहले दिल्ली में चुनाव की मांग कर केजरीवाल इसे भुनाना चाहेंगे। ईमानदार नेता की छवि को मजबूत करेंगे। दिल्ली शराब नीति केस में नाम आने और गिरफ्तारी के बाद से ही भाजपा के नेता अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद छोड़ने की मांग लगातार कर रहे थे। इस्तीफा देने के बाद वो भाजपा नेताओं को सीधे कह सकेंगे कि सिर्फ आरोप रहते उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। अब उनकी ईमानदारी का फैसला जनता करेगी। केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से भले ही हट जाएं लेकिन वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बने रहेंगे। इस्तीफे के बाद उनका पूरा फोकस हरियाणा विधानसभा चुनाव पर होगा। वो पार्टी प्रत्याशियों के लिए
फुल टाइम प्रचार कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन पक्का नहीं होने के बाद सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल खुद हरियाणा में सिरसा जिले के सिवानी गांव के रहने वाले हैं। इसके बाद वो झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी फोकस करेंगे। झारखंड में आम आदमी पार्टी झामुमो के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली में पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी, दूसरी शीला दीक्षित और अब आतिशी। आतिशी को सीएम बनाए जाने पर बीजेपी की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बांसी स्वराज ने बधाई दी और कहा कि सीएम बदलने से कुछ बदलने वाला नहीं है। तो दूसरी तरफ मनोज तिवारी का कहना है, आतिशी को बधाई, हम भी चुनाव के लिए तैयार हैं। तो फरवरी 2025 में प्रस्तावित है चुनाव। देखना होगा कि आने वाले चुनाव के लिए किस तरह की तैयारियां होती हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री बदल गए हैं और अब आतिशी जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हो गई हैं, उसके बाद जनता कैसे इन नेताओं को लेती है और क्या समझती है आम आदमी पार्टी को लेकर, क्या अब भी वही भरोसा देखने को मिलेगा जो भरोसा बीते चुनाव में देखने को मिला था राजधानी में। जनता क्या फैसला लेगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि आतिशी अब राजधानी की दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। तो वही बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर जो है जारी किया गया है। उस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल का चेहरा नजर आ रहा है और आतिशी पपेट बनी हुई नजर आ रही है और ऊपर लिखा है पपेट सीएम। बीजेपी का यह कहना है कि आतिशी मुख्यमंत्री तो बना दी गई हैं, लेकिन एक पपेट के तौर पर काम करेंगी। सारे इन्फॉर्मेशंस और सारे कमांड जो है वो अरविंद केजरीवाल ही उन्हें दिया करेंगे। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में ये पपेट सीएम होंगी या फिर उम्मीदें ज्यादा कितनी हैं लोगों की आतिशी से, ये भी अब देखने वाली बात होगी। अगले 5 से 6 महीनों में एक बार फिर से राजधानी में चुनाव होंगे और चुनाव के बाद देखना होगा कि मुख्यमंत्री क्या आतिशी ही बरकरार रहेंगी या फिर मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, क्योंकि 5 से 6 महीने के लिए ही आतिशी मुख्यमंत्री बनाई गई हैं और उसके बाद एक बार फिर से राजधानी में जब चुनाव होंगे तब देखने वाली बात होगी कि आतिशी क्या वाकई आम आदमी पार्टी की पसंद है।